एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर क्यों खड़ी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न। एक्चुअली दिवाली आ गई है और ये लुक मेरा इस साल की दिवाली का है। अगर आपको ये लुक बहुत पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि हमें अपना फेस सबसे पहले क्लीन कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद हमें उसे अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके स्किन को मेकअप ड्राई नहीं कर पाएगा, दूसरा वो इट विल आल्सो हेल्प टू कीप योर मेकअप इंटैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ वो है VLCC का लवंग मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं लिप्स पे भी लिप बाम लगाना पसंद करूँगी, क्योंकि लिपस्टिक लगाने से भी लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप बाम लगाने से थोड़ा सा मॉइस्चर लिप्स को भी मिल जाता है। इसलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे निविया फ्रूटी शाइन पीच। इसके बाद मैं लगाऊंगी मेरे फेस पे लैक्मे एब्सोल्यूट का मैट्रियल स्किन नेचुरल मूज। ये मेरे फेस पे काम करेगा प्राइमर और फाउंडेशन दोनों का, तो दो स्टेप के काम ये अकेला ही कर देगा। इसको मैं अच्छे से डॉटेड मोशन में अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी और अंडर आईज एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं। लिप्स के साइड में भी थोड़ा सा पिगमेंटेशन होता है लोगों को जनरली, तो वहाँ पे भी आप इसे अच्छे से लगा लें। इसका एक और फायदा ये है कि ये फेस को केकी नहीं बनाता, जैसा जनरली फाउंडेशन में मैंने देखा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमें इसके लिए कुछ ब्रश या कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इजीली हाथों से ही सेटल कर लेंगे। अंडर आई एरिया में मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है। तो ये कंसीलर का काम भी एक्चुअली कर देगा। और इसे थोड़ा सा नेक पे भी लगाएं, क्योंकि स्किन टोन जनरली मैच नहीं होता अदरवाइज, और वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो आई एम डन। अभी मैं फेस पाउडर लगाने वाली हूँ सो दैट ये मूव जो है वो सेटल हो जाए मेरे फेस पे। हल्का हल्का मैं डैप करूँगी मेरे फेस पे। सबसे पहले मैं अंडर आई से ही स्टार्ट करूँगी। जितना भी मेकअप आप अपने फेस पे लगा रहे हैं, याद रखें आप अपने नेक पे भी लगाएं, अदरवाइज टोन नहीं मैच करता है स्किन टोन फेस का और नेक का, और वो बहुत ही गंदा लगता है। तो थोड़ा मेकअप अपने नेक पे लगाना ज़रूर याद रखें। अब मैं अपनी आंखों पे आईलाइनर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे जो आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ वो है मैक का।
आईलाइनर इसमें एक्चुअली दोनों हैं, एक साइड में मस्कारा है और एक साइड में आईलाइनर है, बट मैं सिर्फ आईलाइनर ही लगाने वाली हूँ अभी। तो आई एम डन विद माई आईलाइनर, अभी मैं काजल लगाने वाली हूँ अपनी आँखों पे। काजल मैं पाकिस्तानी काजल यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आँखों को सूट होता है, हाशमी का पाकिस्तानी काजल, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक सिंपल काजल लगाती हूँ अपनी आँखों पे। तो आई एम डन विद माई काजल ऑल्सो। मैं अपने आईब्रोज को हल्का सा फिल करूँगी। आई नो मुझे थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है आईब्रोज को फिल करने की, बट मुझे कहीं कहीं थोड़े गैप लगते हैं, और आईब्रो अगर थोड़ा सा भी फिल हो अच्छे से तो बहुत ही अच्छा लुक आता है साड़ी में। ये आईब्रो पेंसिल मैंने एक्चुअली एक लव फैक्ट्री से ख़रीदा था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। ये एक रोल ऑन आईब्रो पेंसिल है, इसे मैं हल्का सा अपने गैप्स में को फिल करने के लिए यूज़ करूँगी। और इस ब्रश से मैं अपने आईब्रोज को हल्का सा शेप भी कर लूँगी। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आई एम डन विद माई मेकअप, अभी बचता है सिर्फ लिपस्टिक। मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैंने लगा लिया है, ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और रेड लिपस्टिक एक्चुअली हर फेस्टिवल में अच्छा ही लगता है। एक स्टेप जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप उसे नया फॉलो करें, वो है ब्लश का। मैं ब्लश नहीं यूज़ करने वाली हूँ एक्चुअली, मेरे पास मैक का एक लिपस्टिक है पिंक शेड में, उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। हल्का हल्का ब्लश मैं अपने गालों को दूँगी इस तरीके से। से आपको अपने चीक बोन पे लगाना है।
अभी बारी है बिंदी की और ज्वेलरी की. ओके, तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी पूरा ज्वेलरी और साड़ी के साथ. तो ये है मेरा फाइनल लुक. मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा. अगर आपको ये बहुत पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए. थैंक यू, टिल देन, बाय बाय.